इंकलाब। दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने। दिल्ली विच लगातार दूजी बार इतिहासक जित दर्ज करके सरकार बनाउन जा रहे अरविंद केजरीवाल इस तत् तो मुनकर नहीं हो सकते कि जे अज ओ इतिहास रच सके हन तां उहनां दी इस जित विच दिल्ली दे सिख वोटरां दी वी इतिहासक भूमिका रही है। तां हुण सिख भाईचारा बणदी नुमाइंदगी दा वी हकदार है। बेशक आम आदमी पार्टी सिख भाईचारे नूं उम्मीदवार तय करदे समें बणदी नुमाइंदगी देण तों खुंझ गई सी। पिछली वार नालों कटौती कर इस वार सिर्फ दो सिख चेहरे ही मैदान च उतारे, पर ना सिर्फ चोन मैदान विच उतारे दोवें सिख उम्मीदवार जरनैल सिंह अते प्रलाद सिंह सानी सिख वोटरां ने जिता के विधानसभा भेजे, बल्कि सिख बाहुल इलाकियां हरिनगर तिलकनगर कालकाजी तों बीजेपी उम्मीदवारां नूं वड्डे मार्जन नाल हरा के आम आदमी पार्टी दी झोली सीटां नाल भर दित्ती। तां हुण वारी अरविंद केजरीवाल दी है कि ओह सिख भाईचारे नूं कैबिनेट विच बणदी नुमाइंदगी देण। डीएसजीएमसी दे प्रधान साहब हो गए, सिरसा साहब हो गए, कालकाजी हो गए, उत्तों सरदार मनजीत सिंह जी हो गए जी के जागो वाले। एक चीज़ मैं इन्हों दसना चाहता सीगा कि देख लो कि असी अपना हाल की कर लिया, कि थोड़ी अपनी अपील तो बाद भी किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी नूं कोई सपोर्ट नहीं की। हुण इदां दी कि मजबूरी सी आप जी नूं कि तुसी इन्हां नूं अपना समर्थन देना सीगा, ये आप जी भली भांति जानते हैं। इहदा मतलब है कि जो संगत दी नब्ज़ आ उह आप जी पहचान नहीं सके, ते आप जी दे कहण तों बाद भी सारिया ने आम आदमी पार्टी के उत्ते जाके मोहर लाई है, तो उन्होंने विजयी बना के तीजी बार अरविंद केजरीवाल को इत्थे मुख्यमंत्री बनाया। जितों तक मैं लगता आम आदमी पार्टी के सारे वादे पूरे करन तो बाद आ जिहड़ा वादा सारी संगत दे विच उन्होंने किया सी कि असी एक रिप्रेजेंटेशन सिखां नूं जरूर देनी है और एक मंत्रालय उन्होंने को जरूर जाएगा, वह भी वह पूरी तरह पूरी करनगे, तो सिखां दी जो भी उन्होंने जिन्होंने वोटा पाया उन्हां दी सारी उम्मीदां ते खरे उतरणगे। और आशा करते हैं कि पांच साल भी उदा ही चलन जिदा पहला चले सीगे, कि होर जिहड़ी राजनीति आ उह सिर्फ कम्मां दे उत्ते होए जो कीते गए है, ना कि मुस्लिम हिंदू सिख ये चीज़ां दे अंदर लड़ा के। एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। हलका तिलक नगर तो तीजी बार जिते जरनैल सिंह इस दौड़ विच पुख्ता दावेदार हैं। 28,000 दे वड्डे मार्जन नाल जिते जरनैल सिंह नूं कैबिनेट विच थां दे के अरविंद केजरीवाल दो निशाने साध सकते हैं। एक पासे जिथे अपने हक विच भुगते सिख भाईचारे का कर्ज उन्हां नूं कैबिनेट विच बणदी नुमाइंदगी जरिए उतार सकते हैं, जिस नाल दिल्ली विचले सिख वोट बैंक का उलार आम आदमी पार्टी वल हो जाएगा, तो उपरों सियासी माहिर इस नूं पंजाब नाल जोड़ के भी वेख रहे हैं। पंजाब तो आम आदमी पार्टी नूं वड्डियां उम्मीद दिल्ली दी इस वड्डी जित ने आम आदमी पार्टी नूं पंजाब विच 2022 विचली सत्ता दी दौड़ विच लै आंदा है, अते कैबिनेट विच किसी सिख चेहरे नूं थां दे नाल पंजाब विच आम आदमी पार्टी दा आधार मजबूत होवेगा, क्योंकि अकाली दल तो खफा पंथक वोट बैंक आम आदमी पार्टी वल खिसकिया है। 2014 विच जे आम आदमी पार्टी दी जड़ पंजाब विच लगी सी तां उस लई पंजाब दा सिख वोट बैंक ही मोटे तौर ते पार्टी दे हक विच भुगतिया सी। हालांकि पार्टी दे कुछ फैसलियां तो निराश होए पंजाब दे सिख वोट बैंक विच दिल्ली कैबिनेट विच किसे सिख चेहरे नूं लैण नाल सकारात्मक सुनेहा जाएगा। पिछली बार दिल्ली दे सिख वोटरां ने 4 सिख विधायक जिता के भेजे, पर अरविंद केजरीवाल वालों कोई भी सिख चेहरा कैबिनेट विच शामिल नहीं किया गया। इस बार जेतू विधायकां नूं भी अखों परोखे करदिआं सिख उम्मीदवारां दा अंकड़ा 4 तों घटा के 2 तक पहुंचा दिता गया, पर दिल्ली विच वसदे सिख भाईचारे की असल नुमाइंदगी लई हुणे लाजमी हो जांदा है कि केजरीवाल वजारत विच किसे सिख चेहरे नूं शामिल किया जाए, क्योंकि सत्ता विच चाहे बीजेपी रही होवे जां कांग्रेस सिख चेहरे हर तिर कैबिनेट विच शामिल किए जाते रहे ने। 90 दे दहाके विच बीजेपी ने बतौर सिख चेहरे हरशरण सिंह बाली नूं कैबिनेट विच थां दित्ती, तां कांग्रेस दी वजारत वेले अरविंदर सिंह लवली अहम अते वकारी मंत्रालय संभालदे रहे हन। मैं समझदा कि केजरीवाल की तीजी वारी सरकार आई है, पहली दो सरकारां दे विच इन्हां ने सिखां नूं रिप्रेजेंटेशन नहीं दित्ती अपनी कैबिनेट दे विच, और आज़ादी तो बाद जदों भी दिल्ली दे विच सरकार बनी है कदी महेंद्र सिंह साथी वजीर रहे ने, कदी अरविंदर सिंह लवली रहे ने, कदी बीजेपी दे वेले बली साहब रहे ने हरचरण सिंह बली। इन्होंने ना पिछली बारी ना उस तो पिछली बारी इन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन सिखां नूं नहीं दित्ती। पिछली बारी 4 MLA नूं दित्ती सी, सिखां नूं ऐतकी सिर्फ 2 नूं इन्होंने सीटां दित्तियां ने। पंजाबी लैंग्वेज दे उत्ते इन्होंने टीचर रखण दी गल कीती सी, 1100 उह नहीं दित्ते। मिनोरिटी दे विच जिहड़ियां साडियां इशू सीगियां वो हल नहीं कर सके, जिहड़े
ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀ 1984 ਦੀ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ 1984 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਨੋਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਫਿਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ।